मैं रात नहीं तुरदा, मैं तुरदा शुरू तो छेवीं जमात तो हूँ बारहवीं जमात तक इसे स्कूल विच पढ़ी हाँ। तो उदों तो ही मैं दर्शन सर नूं स्कूल दे विच देखिया। सर इन्नी ग्रेट परसनैलिटी ने कि सारे ही अध्यापकों के मन विच ते सारे विद्यार्थियों के मन विच सर दे प्रति इन्ना इन्ना ज़्यादा प्यार ते इन्ना ज़्यादा सतिकार है। जो बच्चों की सोच हुंदी है भी बस पढ़ना ते नंबर लैना इत्थे तक सीमित हुंदी है, परंतु हौली हौली मेरी सोच डिवेलप हुंदी गई सर दे लैक्चर दे करके। सर सवेरे प्रेयर टाइम लैक्चर देंदे ने, उतों भी बहुत सारे इन्ने इंस्पीरेशन थॉट्स मिलते हैं, सानू जानन सिक्ख्या मिलती है कि साड़ी सोच डिवेलप होंदी है। 10th क्लास दे विच मैं पहली बार जब स्टेज से चढ़ी मैं बहुत डरती हुंदी सी, मैं इतों बोलिया नहीं जाता सी, मतलब कह सकते मेरी पूरी बॉडी कंबना है ना। मैं ऐ लगता हुंदा सी मैं कुछ करा, अगे वधा, बोलना स्टेज पर चढ़ा, तो सारे टीचर्स के मन में मेरी भी कोई थां बने, मेरी कोई खास जगह बने। तो सर ने मतलब साढ़े स्कूल इन्नी तरक्की बख्शी है सर दे, मैं कह सकती हाँ भी साडा स्कूल जे इस मुकाम तक पहुँचा तो सर की बदौलत। अज भी मानसा जिले के जो असं कह सकते हैं भी साडा स्कूल टॉप से मनिया जाता है। तो मैं भी अज जे मैं कितने भी कोई भी कह दे भी तू स्टेज से बोलना ज कि होर बोलना तो मैं बोल सकती हाँ, मेरे अंदर हूँ कोई चीज़ कोई डर नहीं हों। मैं कह सकती हाँ भी ये सब कुछ मेरे अंदर जो चेंज आया दर्शन सर की गलों के बदौलत, उन्होंने इंस्पीरेशन के बदौलत अज मैं इन्ने बोलन जोगी हो गई हाँ कि मैं किसी भीड़ तो नहीं डर सकती, मैं भीड़ उठ के अपनी आवाज़ को उपर कर सकती हाँ कि हाँ मैं कुछ हाँ। तो सर की वजह कारण ही मैं अपने आप में कुछ पहचान आई है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हाँ। सर ने साडे बारे सोच के जून का एक कैंप लवाया जिस विच कि सानू कराटे भी सिखाए गए, जित अज जो मैं कराटे विच गोल्ड मैडल स्टेट जो पहले नंबर पर आई हाँ। डिबेट भी कराई गई, डिबेट च मेरा यह फर्क पिया कि मैं अज मैं बोल सकती हाँ, भाषण मुकाबले च मेरी फस्ट पोजिशन आई है किदे करके, सिर्फ मेरे गुरु करके। बस मैं इन्ना कहनी हूँ भी परमात्मा इदा के गुरु सब स्कूलों में बख्शन। मैं जशन, मेरे सर ने दर्शन सर वह सानू वाला कैंट पढ़ाते हैं, वो जो पहला मैं जो स्टेज पर चढ़ते डर लगता हूँ सी, हूँ मैं बड़े चार नाल स्टेज उ घंटा घंटा बोल रहा विद्यार्थी दे विच अनंत संभावनावां हुंदियां, अध्यापक दे विच भी अनंत संभावनावां हुंदियां, परंतु उन्हां नूं निखारण दा जो बल प्रिंसीपल दर्शन सिंह जी दे हत्थां दे विच है, जो पहचानण दा बल उन्हां दे कोल है, वह विरलियां दे कोल ही हुंदा है। इसलिए असी अपने आप नूं ते इस स्कूल दे विद्यार्थी सुभागे मंनदे है भी सानूं अजिही शख्सियत दे विच रहना मिलिया। अज ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों भी मात पा रहा, साडे एरिया दे विच जिन्ने भी प्राइवेट स्कूल ने उन्हां दे विच उह सहूलतां नहीं हैगियां। ये मैं कह सकदा हां, मैं जोर दे के कहिंदा हां कि कोई भी प्राइवेट स्कूल साडे स्कूल दा सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां दा मुकाबला नहीं कर सकता, ते आउण वाले समें दे विच वी इसदा मुकाबला नहीं कर सकता। ये सारा सदका ये सारा जिहड़ा जिम्मा है ये सर दे सर नूं ही जांदा है, सरदार दर्शन सिंह ब्रेटा नूं। मेरे देखते देखते इस स्कूल का हाल ते हुलिया दोनों बदलते हैं। अब बिल्डिंग तुसी इन्नी बड़ी इन्नी बिल्डिंग देख रहे हो वो सारी सर्दे आने तो बाद बनी है, अद्धे ग्राउंड पक्के हो गए हैं। पहला बारिश के दिनों के साडी असैम्बली नहीं हो पाती सी क्योंकि उरे पानी खड़ जाता सी। सर इस स्कूल नूं मंदिर गुरुद्वारे की तरह पूजते हैं। मैं बहुत बार नोटिस किया जो सवेरे सर स्कूल के एंटर होंगे हैं तो सर हमेशा मत्था टेक के स्कूल के वड़ते हैं, तो उस नाल साडे भी बहुत सानू भी बहुत मोटिवेशन मिलती है भी सर पता लगता भी सर लिए स्कूल की चीज़ है। स्कूल के सिस्टम नू इस तरह बनाया भी ये साडे वर्गे अध्यापकों की पहली चॉइस बन गया जो पहला नहीं होया करता सी। तो मैं एवं लगता है कि दर्शन सर वर्गे इस दुनिया च बहुत घट लोग होने, दर्शन सर दी गल्लां सुनन वेले मैं बहुत मज़ा आता है, तो जिहड़ी गल्लां सर दर्शन सर मंच ते करदे ने ओह गल्लां नू मैं क्लास च डिस्कस करदी हाँ। तो दर्शन सर ने मेरी भैन नू पढ़ाया, मैनू मेरा भी मन करता कि दर्शन सर तो पढ़ के मैं भी कुछ ना कुछ बना क्योंकि मेरी भैन टीचर बन गई है। मैं अज कह सकदी हां भी जिवें ब्रह्मांड दे विच इक सूरज हुंदा है ना, बाकी सारे ग्रहां नू रुशनांदा है,
इस तरह साडे दर्शन सर एक इहो जे सूरज ने साडे स्कूल दे कि उह साडे स्कूल नूं रोशन करदे ने। मैं खुशकिस्मत समझदी हां आपदे आप नूं कि मैं सर कोलों पढ़ी ते मेरे नाल होर भी बहुत छोटे बच्चे ने जिहड़े स्कूल क्लासां दे विच पढ़दे ने उहनां नूं मौका नहीं मिल पाया सर कोले पढ़न दा, पर मैनूं मौका मिलिया। मैं इस गल ते माण महसूस करदी हां। मैं भी इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हाँ। मैं सरदार दर्शन सिंह जी दे सहयोग नाल अनेक ही एजुकेशन अवेयरनैस कैंप ते खेड टूरनामेंट करवाए हैं। इन्हां दी साडे समाज अते खास करके साडे पिंड नूं बड़मुली देन है। इस मौके मैं सत्कारयोग दर्शन सिंह लई कुछ शब्द बोलना चाहांगा। अध्यापक एक किता नहीं बल्कि एक कला है जिहड़ी कला समाज का मार्गदर्शन बनती है। इस कला विच सरदार दर्शन सिंह वर्गे सत्कारयोग अध्यापक ने अनेक ही बच्चों नू सही रास्ते तौर पर मंजिल दे हाणी बनाया। सारे कहिंदे ने कि जिंदगी विच तुरना मुहाल है, पर जिन्हां नू सत्कारयोग दर्शन सिंह जी वर्गे समुचे अध्यापक का मार्गदर्शन मिलिया ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਉਲਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं चाहता हाँ कि अजिहे अध्यापक कदे भी सेवा मुक्त नहीं होने चाहिए। मैं कामना करता हाँ कि सरदार दर्शन सिंह जी सेवा मुक्ति तो बाद भी अपने बहुमुले तजर्बे विच्चों सिक्ख्या दे खेतर विच्च साडे समाज का मार्गदर्शन करते रहें। मेरा नाम अमृतपाल कौर, मैं अज थोनू अपने बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल सर दी एक्टिंग करके दिखाउनी आ। जदों प्रिंसीपल सर स्टेज ते जांदे आ तां ऐ जांदे आ, जो बोलते हैं तो बोलते हैं, बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान। जो साढ़े सर क्लास च आते हैं तो बीबा रोला जहाँ किमें पारख है, तू खड़ा हो बीबा, जे तेरे तो कुछ पूछा ना तेन कख नहीं आना, कख नहीं आना तेन। हाँ मनदीप, आप ग्यारहवीं क्लास च बैठा मैं। हाँ तुम उ आ जाओ। हाँ भाई बच्चे, आप अपनी गल कंटिन्यू करते हैं। कदे लाइब्रेरी दे विच जाके वो किताबां दे विच लिखे हुए शब्द ते उन्हां शब्दां दे विच जदों तुसीं गुरुत हो जाने हो, एकमिक हो जाने हो, तां उस समय तुहानूं जिंदगी दे वो पल वड्डे पद्धर दे उत्ते आनंदित महसूस होण लग पैंदे ने। तुसीं एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, खेडां ते कोई गाउणा, कोई कविता बोलना, कोई भाषण प्रतियोगिता, जब तुसी तुरदे भी हो तो जो तुसी इन्हां सारियां चीजां दे नूं करदे होया उस दे विच अपनी इकमिकता जाहर करदे हो तो उस समय तुहानूं ही तो लगन लग पैंदा है कि हुण मैं अपनी मंजिल दे बिल्कुल नेड़े हाँ। युगां तों काफिले आउंदे इस सच दा गवाह। दुनिया विच महान रुतबा है अध्यापक दा। अध्यापक समाज दीआं अजिहीआं नीहां भर सकदा है जिस उत्ते चंगाईआं दे महल उसारे जा सकदे हन। अपने फर्जां नूं बखूबी तरीके नाल निभाउण वाला अध्यापक है दर्शन सिंह बरेटा। आप जी दा जन्म 15 मार्च 1965 नूं पिता श्री राम स्वरूप सिंह अते माता श्रीमती भगवान कौर दी कुखों होया। जोबन रुते जिंदगी दीआं रंगीनियां माणदा होया मां प्यो दा दर्शन अपनी मंजिल दे दर्शन पाउण लई हमेशा तत्पर रहा। आप जी दी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउण लई मैडम परमजीत कौर हम सफर बन के आए। जिथे आप जी ने सफलतावां नूं छूहिया उत्थे ही आप जी दा बेटा दिलप्रीत सिंह भी इंजीनियर है। बेटी अर्शप्रीत कौर उद्योग विभाग विच नौकरी कर रही है। प्राइवेट स्कूलों च नौकरी करन तो बाद आप जी सरकारी स्कूल च अध्यापक नियुक्त होए। आप दे हिस्से बड़ी माण वाली गल ये भी आई कि जिस स्कूल विच आप विद्यार्थी बन के रहे उसे स्कूल विच अध्यापक बन के आए। प्रिंसीपल दर्शन सिंह बरेटा अज दे इस खूबसूरत पलां ते
की महसूस कर रहे हैं, सुनो उन्हां दी जवानी। मैं अपने अध्यापन किते दे दौरान बहुत बारी विद्यार्थियों के अंदरों अजिहा कुछ लभ्या ते उस नूं लब के विद्यार्थियों के अंदर उस चिणग नूं एक चंग्याड़ी दे रूप दे विच अगे तक लैके आंदा। अनेक कार्ज किते, अज दे दिन मैं भावनात्मक तौर दे उत्ते कितना कितने मन दे विच ये गल भी ख्यालात भी पैदा हुंदे ने कि एक पवित्र किते दे विच भावें वो सारे सुपने पूरे किते पर अजे भी बहुत सारे सुपने अधूरे ने ते उन्हां सुपनियां नूं आने वाली जिंदगी दे विच बतौर साहित्यकार कहानियां लिख के जां समाज सेवा दे कम्मां दे विच विचर के ते इसे तरह ही वख-वख स्कूलां कालजां दे विच इंस्पीरेशन लैक्चर्स दे राहीं पूरा करन दी कोशिश करांगा। मैं मैसेज तां नहीं कहिंदा, मैं एक सुझाव दे रूप दे विच इह गल कहना चाहुंदा कि तुसी जिस किते दे विचों अपने आप दे विच माण महसूस करो, तुसी उस किते दे विच विचर रहे हो जिथे तुसी राष्ट्रपति तक, प्राइम मिनिस्टर तक, प्रधानमंत्री तक जां मुख्यमंत्री तक, एक बड़े बड़े साइंटिस्ट दे तौर दे उत्ते राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे आगू पैदा कर सकते हो। मैं तुहाडे नाल इह गल तां सांझी कर रहा क्योंकि मैं सारा कुछ अपनी जिंदगी दे विच कीता है। साडे अध्यापक साथियों नूं लर्निंग बाय डूइंग जिन्हों असी बी एड तो लैके हुण तक सिखदे ते पढ़दे आ रहे हां उस नूं प्रैक्टिकल रूप दे विच लागू करना चाहीदा है। मैं अज दे दिन यह भी महसूस करदा कि जिवें गुरबाणी विच आउंदा है किव सच्यारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, अपनी जमीर की कहती है, उहदा की हुक्म है, उस नूं ना कदे भी पिछे जाण दिओ। असीं किसे दे नाल धोखा कर सकते हाँ पर अपने आप दे नाल कदे धोखा नहीं कर सकते। सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां दे विच 7 तों लैके अज असीं 36 अध्यापकां ते 36 दे 36 अध्यापक एक मुठ्ठा, ते जदों असीं एक मुठ्ठा तां जिंदगी दे जो भी मोर्चे असीं सर करना चाहुंदे हाँ उन्हां सारे मोर्चिआं नूं सर कर सकते हाँ। कुछ भी असंभव नहीं, जिंदगी जीउण दे लई है, जिंदगी सुपने बनाउण दे लई है, जिंदगी वड्डियां उड़ारियां मारन दे लई है, जिंदगी सानू बुला रही है, हाका मार रही है। आओ आपां जिंदगी दे एकमिक होईए ते इस समाज दे विच जिथे अपना वधिया स्थान बनाईए उत्थे अपने अध्यापक वर्ग दा ना उच्चा करिए, बाकी अपने आप नूं समाज सिरजक दे तौर दे उत्ते जो कुछ भी असी कर सकते हाँ उस नूं तनो मनो तनो करिए। बड़ा माण महसूस हुंदा है जदों कदे किसी दफ्तर दे विच किसी जिंदगी दे चौराहे ते खड़ के आसे पासे देखींदा है तां कोई ना कोई शख्स अजिहा मिल जांदा है जिहड़ा आ के बड़े माण दे नाल इह गल कहिंदा है कि सर मैं तुहाडे कोलों फलाने समें ते पढ़िया सी ते अज इत्थे पहुंचिया। मैं चाहुंदा कि सारे अध्यापकां दे हिस्से इह गल्लां आउण पर इस दे लई सानूं लगातार तत्पर हो के मेहनत करन दी जरूरत है ते जिंदगी दे विच वड्डियां कामयाबियां केवल ते केवल मेहनत दे राहीं ही पूरियां हो सकदियां। जमीन दी ढाल जलदा वेख ही रल मिल के राह बन दे मैं राहूं।